नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तर प्रदेश भवन एवं स्वनिर्माण सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को पुत्र पुत्रियों को साइकिल वितरण किया गया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी दिखी। उपश्रम आयुक्त संगम लाल ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सत्र विकास शिक्षा योजना के तहत 50 बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया और शासन की मंशा के अनुरूप इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। सरकार ने व्यवस्था उन बालिकाओं को लागू की है जो हाईस्कूल पास कर इंटर में जाते हैं और जो इंटर पास कर ग्रेजुएशन में आते हैं। सुविधा उनके लिए है जिसके बालिकाएं अपने साधन से कॉलेज जा सकें और शिक्षित और आत्मनिर्भर हो सकें। आज सुनाते हैं कि उपश्रम आयुक्त संगम लाल ने क्या कुछ कहा। सर, आज साइकिल का वितरण कार्यक्रम किया गया, किस योजना के अंतर्गत किया, कितने बच्चों को साइकिल वितरण किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 50 बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया है और इसी तरह के कार्यक्रम हम आगे भी हर माह के हिसाब से करते रहेंगे। शासन की मंशा के अनुरूप जो बालिकाएं हैं, कक्षा 10 पास हैं, इंटर पास हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि बराबर ये अनवरत चलता रहे कार्यक्रम, और जब भी अगले उसमें हमने 150 बालिकाओं के लिए फिर साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा है। अगले माह जब भी होगा तो उसके कार्यक्रम किया जाएगा। किन बच्चों के लिए साइकिल कार्यक्रम मित्र? एक्चुअली जो बच्चे कक्षा 10 पास करके फर्स्ट ईयर में जाते हैं या जो इंटर पास करके ग्रेजुएशन के लिए अपने विद्यालय जाने के लिए उनको आने जाने में कोई असुविधा ना हो, तो उसके मद्देनज़र सरकार ने प्रयास किया है कि ऐसी बालकों को जो विद्यालय अपने जाने में जिनको दिक्कत होती है उनके लिए साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त दी जाती है। क्या कोई कैटेगरी निर्धारित है? हाँ, इसमें देखिए जो ब्रांडेड साइकिल है, एटलस, A1, हरकुलिस, जो ब्रांडेड साइकिल है वही बालिकाओं को बालकों को दी जाती है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में तेज हो या किस तरह की कैटेगरी? जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं उनके सभी के बच्चों को है। मेधावी के लिए अलग स्कीम है, इसमें सभी जो भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, श्रमिकाएं हैं, उनके बालक बालिकाओं के लिए व्यवस्था ये योजना है। ठीक है।